जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया के महान शख्सियत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब हमें हमेशा हमेशा के लिए रोता बिलखता छोड़कर चले गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बचपन से लेकर अपनी अंतिम अवस्था तक उन्होंने एक एक पल बड़े ही कष्ट और मुसीबतों अपमान के साथ बाबा साहब को सहना पड़ा। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने में उन्होंने लगा दिया और आज हमारी गिनती इंसानों में हो रही है तो उसका श्रेय भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अंधविश्वास पाखंडवाद और कर्मकांड को ठोकर मार देंगे। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनकी 22 प्रतिज्ञाओं पर चलने का प्रयास करेंगे। हर कोई अंबेडकरवादी बन सकता है। अंबेडकरवादी होने के लिए अंधविश्वास पाखंडवाद कर्मकांड परंपराएं जो रीति रिवाज जो सैकड़ों वर्षों से चलती आ रही हैं उनको ठोकर मारनी होगी। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस रूढ़िवादी परंपरा से बाहर निकलो। इन पाखंडवादों की जंजीरों को तोड़कर आजाद हो जाओ और संविधान के तहत अपना जीवन जीने का मुकाम हासिल करो। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी पत्नी को बलिदान कर दिया और खुद झरझर होकर चले गए। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ। करोड़ों के मुक्तिदाता को मेरा सत सत नमन।